सस्ती लोकप्रियता की चाहत में भाजपा के सरदार केदारनाथ के प्रांगण में। श्रावण मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मगर देखिए जरा केदारनाथ धाम में आखिर क्या हो रहा है। तीर्थ पुरोहित क्यों है नाराज? आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने गर्भगृह की तस्वीरों को दुनिया के साथ साझा किया, जो बिल्कुल सनातन धर्म के विरुद्ध है। अभी तक वहां पर मोबाइल रखने का कोई कमरा नहीं है, जिससे तीर्थ पुरोहितों को बहुत उनमें आक्रोश है, वो बहुत नाराज है, मगर उस ओर ध्यान नहीं है, अपनी फोटो लगवानी है। मोदी जी ने गर्भगृह दिखाया, मोदी जी ने तमाम जगहों पे अपना फोटो लगाया, और अब देखिए कि केदारनाथ के प्रांगण को राजनीति का खड़ा बनाया है अजेंद्र अजय अध्यक्ष और पवार जी उपाध्यक्ष बद्री केदार मंदिर समिति के। इनकी इतनी हिमाकत कैसे हुई? कोई तो इनको ये कृत्य करने से नहीं रोक रहा। मैं जानना चाहती हूं कि कहां है टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल सिंह रावत जी, आप कहां हैं और ये हिमाकत कैसे हुई? पंडा पुरोहित नाराज हैं और ये मांग है मेरी कि आप अपने इन पोस्टरों को हटाइए बाबा केदार के प्रांगण से। जय बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। सभी लोगों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आप देख रहे हैं मंदिर प्रांगण में मंदिर की स्वच्छता को देखते हुए यहाँ हमारे माननीय नेताओं के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ ये गैर राजनीतिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है नेताओं को अपने पोस्टर लगाने में और अपने बैनर लगाने में इसको राजनीति अखाड़ा बनाना चाह रहे हैं। लगभग 2 महीना हो गया है इस पोस्टर को लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। आखिर ये कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि ये राजनीतिक मंच है या भगवान प्रांगण आस्था का पथ है। ओम नमः शिवाय।